ब्रोज। यो 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 यो। यार आप सभी लोगों को हमारा म्यूजिकल नमस्कार। हाय हाय क्या बात। नमस्कार दावे जी, विशाल जी आप लोग जज हैं तो हमारा जजमेंटल नमस्कार। सिद्धू जी आपके लिए हमारा पॉलिटिकल नमस्कार। कपूर शर्मा आपके लिए एक्सीडेंटल नमस्कार। करना नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया। अरे वैसे जावेद जी आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। क्या हो गया? ये स्पेशल है, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बताते हैं आपको। अरे हमने पहली बार किसी रियलिटी शो में जज का वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा है। ये बात है। कमाल मान गए सर, मान गए। इससे बड़ा सरप्राइज हो ही नहीं सकता। ये हुई ना, नहीं मतलब हमको आपका शो अच्छा लगता है सर, इंडियन आइडल चालू हुआ अच्छा लगा, फिर वो चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सर उसके गुनाहगार ये लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये गुनाहगार हैं। हाँ इनका भी है, इस आदमी का स्पेशली। हम देखे सलमान को, भाई तुमको आइडिया है जो इतना लंबा तुम आलाप खींचते हो, हम देखे हैं तुम्हारे लंबे आलाप की वजह से था 3 महीना खींच के ऐसा 7 महीना हो गया। सलमान तुम्हें पता है जब तुमने आलाप लेना शुरू किया इसके 10 बच्चे थे, आलाप खत्म हुआ इसके 11 हो गए। ये कौन सा बात हुआ सर? यू हैव टू नो कि बच्चे आलाप की वजह से नहीं मिलाप की वजह से होते हैं। इट्स अ बायोलॉजिकल रियलिटी, यू विल फेस इट सून। बच्चा तेरा आज यहां कैसे आना हुआ? बता देते हैं, ऐसे आना हुआ। ओए दिल पे लग गई बात सर, ये बात दिल पे लग गई। लगी ना सर, सवाल ही ऐसा पूछता है। सर हम भी म्यूजिशियन हैं सर, अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम कमाल का बजाते हैं, बड़ा मजा आता है। कौन सा? डोर बेल। ऐसा मजा, टिंग टोंग टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, ऐसा करते रहते हैं यार। वैसे लेकिन हमारे अंदर भी जुनून है सर सिंगिंग का। एक बार एक रियलिटी शो में गए थे सर हम, लेकिन हम वहां से निकल गए यार, मजा नहीं आया। क्यों यार? हम गाने लगे तो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा सुर नीचा है, ये सुर ऊंचा है। हमने कहा जहां ऊंच नीच का बात हो रहा है वहां हम नहीं रहे। आई डोंट डिजर्व दिस। म्यूजिक इंडस्ट्री में बच्चा बहुत अच्छा करियर बना सकता है एज ए ढोल। आगे ढोल पीछे तबले। हम आपको देख लेंगे कपूर शर्मा रिपीट टेलीकास्ट में, वहां पे मिलिए हमको। मेहनत कर पहले, ये देख सब कितनी मेहनत करके पहुंचे। सलमान विनर बना है तो मेहनत करके, सलमान जैसे गा सकता है तो गा लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाए, हो जाए, वो हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो हम पेश करते हैं सलमान का गाना ना। लीजिए। वाह वाह, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। कम फ्रॉम विदिन सर, जोर लगाओ, जोर, जल्दी बुला, कर लीजिए, कर लीजिए। कहाँ है वो? हमको एक एक लोरी सुना के, मतलब एक तड़कता भड़कता सा लोरी सुनाइए, मतलब ऐसा दिल में जिगर में आग लग जाए, मतलब हमारा आइटम डांस निकल आए, कोई आइटम सॉन्ग टाइप का एकदम। ओह माय गॉड, मेरे बच्चे को गाना सुनना था, प्लीज सुना दीजिए, बाकी तन बदन में आग मैं खुद ही लगा दूंगी। नहीं, तितली हमारी वाइफ है, तितली तितली हम इनसे कह रहे थे कि कोई कबीर का दोहा हुआ सुनाओ, अच्छा बात सुनाओ, मतलब रोमांटिक गाने सुनने आपको? नहीं, आपको भजन भजन सुनाने का। मर जाऊं, आज तक मुझे तो कभी कोई रोमांटिक गाना सुनाया नहीं, गाना दूर की बात, पाजी आज तक इन्होंने रोमांटिक बातें नहीं की मेरे साथ। अरे परसों तो ये रोमांटिक शेर सुनाए थे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तेरी भैंस का तीतर। ये क्या है? ये क्या गाने होते हैं? अरे सिद्धू बाजी को देखो, क्या शायरी सुनाते हैं बाजी, मजा ही आ जाता है। तो हमको भी वहां बैठा दीजिए, फिर देखिए क्या शायरी निकलता है हमारे अंदर से भी।
बाजी मोटे की हिम्मत देखो, सीधा मंत्री की कुर्सी पे नजर। हाँ बाजी वाह, इंडियन आइडल वालों, अच्छा इंडियन आइडल वाले ना, मुझे लगा कि चाचा जी बनारस से बच्चे घुमाने लाए हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये मेरे पति हैं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके। शादी से पहले पाजी वादे किए थे ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं अपनी पलकों पे बिठाऊंगा, पर कुर्सी पे बैठ नहीं पाती है, 8 कुर्सियां तोड़ चुकी है। अब पलकों पे बैठाने का रिस्क लेगा कोई? मेरे सारे सपने टूट गए विशाल जी। मेरा सपना था जब मैं लड़की होती थी कि मेरी शादी हो, उसके बाद मेरा पति ना मुझे बीवी और गर्लफ्रेंड का दोनों का प्यार दे, मेरा पति साइकिल चलाए, मैं डंडे पे बैठूं, साइकिल शू 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 करे, हम दोनों जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। बैठाया था डंडे पे, 4 जेंट साइकिल को लेडी साइकिल बना चुकी है ये। हर सोमवार के व्रत रखे इस बंदे के लिए, लेकिन इसको कोई कदर नहीं है। पाजी इसने ओ ना 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 क्या मैं रो थोड़ी रही हूँ, ठीक आ रही है। कुछ भी नहीं किया पाजी इसने मेरे लिए। ए तितली, क्या है इतना काहे गुस्सा करती हो, थूक दो गुस्सा। अरे यार। क्या हुआ? अरे असल में थूकने के लिए थोड़ी बोले थे, ये बोलने का तरीका होता है, सच में नहीं किया जाता। ठीक है चलो, कोई बात नहीं यार। देखिए सर, ये गुस्सा हो रही है, आज देखिए हमारा जॉक्स का एक ना पिटारा रहता है, हमारे पास जॉक्स होते हैं, आपको जॉक सुनाते हैं, लेकिन अपना जॉक हम आज तितली को डेडिकेट करेंगे, थोड़ा गुस्सा है ये। हाय 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 हाय। सच्ची? हाँ सच्ची। तमीज में रह के सुनाना। ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले किसी की भी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ पति की होती है, पत्नी की नहीं? क्या गलती यार? कमाल, कमाल, हमारी गलती है। तितली, एक और सुनाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है हमको बताइए, जहां पे अंग्रेजी में जाना होता है लेकिन हिंदी में लौटते हैं? ये कौन सी जगह है? गोवा। गो आ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तितली, चलो हो गया, मजा आया, जोक बोक सुना दिए, बहुत ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो पहले एक वन बाय वन करेंगे, सलमान एक अलाप लगाएंगे, उसके बाद नितिन एक लगाएंगे, मतलब जो भी अलाप लगाएगा उसके बाद एक एक आदमी आप लोगों को कॉपी करना है। तो सबसे पहले कौन अलाप लगा रहा है? जी कौन आप लगा रहे हैं? माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी आपका नाम क्या है? सुनील। तो सुनील कहाँ से आए आप? मैं माहिम से आया हूँ। क्यों? सर आपको देख ले। अरे सो स्वीट, पर आज इन्होंने महफिल लूट ली है ऑलरेडी, पर ये अलाप लगाएंगे और आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर। सलमान कुछ ऐसे अलाप, कुछ भी थोड़ा छोटा सा, ये आपको कॉपी करेंगे। देना। हाँ जी देना। मुझे लग गया पता, आप कीड़े निकालने आए अपना। आप बैठिए सुनील। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। अच्छा ये लाप लगाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप तंदूर में कुलचा लगाइए। जी नितिन। रेना। नहीं काफी काफी हद तक है। हाँ मतलब और पास पास है। कपिल भाई, आई स्वेयर इंडियन आइडल के ऑडिशन होते ना, तो या तो जो सिंगर आते हैं वो बेहतरीन होते हैं, या तो फिर बेहतरीन होते हैं।
आपने फर्स्ट डे की याद दिला दी, क्या बात। आपने बहुत अच्छा खराब किया गाना, बहुत अच्छा खराब किया। थैंक यू सर, आपने नाम नहीं बताया अपना। जयशील गांधी। ओके जी, गांधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई है मेरे दोस्त जो लाभ लगाना चाहते हैं? जी ये भाई साहब आ मेरे तोते जी। यश नाम है। यश, यश कहाँ से आए आप? घाटकोपर। घाटकोपर से। तो अंकुश थोड़ा सा लाभ लगाएंगे, आपको कॉपी करना है। ये कॉम्पिटिशन अच्छी है। अच्छा कर रहा है बेचारा यार। नहीं नहीं, लेकिन है ना, देखो एक चीज और है कि जब है ना क्लासिक जब गाते हैं ना, तो बिगनिंग में ना स्लोली स्लोली उसका प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद में ऐसा गाया जाता है जैसा अंकुश गाता है। अच्छा, ये चीज मुझे नहीं पता चली है। ओके, थैंक यू ब्रदर। जिनको लगता है कि हम लोग सिर्फ यही शो करते हैं, मैं उनको बता दूं कि हमने और भी बिजनेस खोल रखे हैं। मैंने अपनी दो दुकानें खोली हैं, और वो दोनों दुकानें हैं यहाँ पे गोल्ड की आज आई हुई हैं। यार ये भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी आप हमारे शो में आए थे तो मैं पूछना भूल गया था आपका। अच्छा, आपका नाम पहले बताइए। सनी। सनी बंटी। सनी और बंटी, कितने किलो होगा ये आपने जो पहना है? मेरा 4.5 किलो है। और आपका? 5.5 किलो। अच्छा वाह। तो सनी बंटी, आप जब पिछली बार मिले थे तब तो मेरे ख्याल से स्टडी कर रहे थे आप। स्टडी पढ़ लिया सारा कुछ? अभी सब पढ़ लिया। आपको क्या जरूरत है, वैसे ही इतना भगवान ने दिया है आपको। आप तो पढ़ाओ हम जैसे को। पर बहुत अच्छा लगा यार आपको देख के। क्या स्टाइल है पाजी सर हमारे सिंगिंग। जूते वूते भी दिखा दे यार, ऊपर चढ़ के दिखाना। अच्छा, शूज भी है? दिखाना है। शूज भी गोल्ड के दिखाना यार। अरे क्या बात है, वाह क्या बात है भैया। अंडरवियर तो छोड़ा हुआ है। अच्छा सनी, मैंने आपके बारे में एक सुना, मुझे अभी किसी ने टीम में से बताया कि आप लोग कुछ एनजीओ वगैरह भी कुछ चला रहे हैं। अभी एनजीओ चालू किया है गोल्डन गाइस नाम के एनजीओ से। गोल्डन गाइस? गोल्डन गाइस बोल के। तो उसमें क्या करते हैं आप? तो उसको गरीब लोगों को खाना देते। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे, चिंचोड़, पिंपरी और पूना स्टेशन पे। क्या बात। अच्छा, वेरी गुड। एवरीडे लंच रहता हमारी तरफ से। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। खाली चेन ही सोने की नहीं, दिल भी सोने का इनका। बहुत अच्छा काम करते हैं। ऊपर वाला आपको आपको और दे, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और खुश रहें। थैंक यू, लव यू बोथ, प्लीज। अरे क्या बात है, इंडियन आइडल जाइले। हेलो, आपको पता है सिद्धू जी, इस साल ना आम के सीजन से ज्यादा इंडियन आइडल का सीजन चले ला। हाय, कैसे है क्यूटी पाइज? अच्छे हैं। अरे आप लोग का परफॉर्मेंस है ना एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं। अरे पागल, आउटस्टैंडिंग होता है। नाला सुपारा में मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोलते हैं। हाय जावेद जी, कैसे है? बहुत बढ़िया। फरहान अख्तर कैसे है? ए पागल, वो जावेद अख्तर नहीं है, वो जावेद अली है। तो मेरे को मालूम है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से है ना, मेरे को लगा जानते रहेंगे एक दूसरे को, इसलिए पूछी। ओके, इसमें भड़कते। हाय विशाल जी, कैसे? मस्त। शेखर जी नहीं आए? नहीं, आई एम सॉरी। क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला ना कपिल जी को, वो दूसरी जगह में छाप। नहीं नहीं, मैं शेखर सुमन के बारे में पूछ रही हूँ। उनको क्या हो गया? ऐसे ही रहता है, जो साथ का रहता है उसका काय को पूछने का, फॉर्मेलिटी रहते है। आप अच्छे तो वो भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हेलो नेहा जी, कैसे? अरे नेहा कहाँ है? वही तो मैं पूछ रही, कहाँ है वो, आए नहीं क्या? तुम लोग का थोड़ा नाम क्या हो गया, जज को भूल गए तुम लोग? लेकर नहीं आए? ये मर्द लोग का ऐसे रहता है, 6 महीने बीत जाते तो लेडीज को भूल जाते हो। बट आई लव नेहा। अरे नेहा काम में बिजी है, उसकी शोज है। हाँ तो लड़की लोग आजकल ज्यादा काम में बिजी है, इसलिए आगे निकल रही है लड़के लोग से। सही बात है ना। और हम लोग को तो एटीट्यूड प्रॉब्लम भी नहीं रहते। इन लोग का एटीट्यूड देखो, थोड़ा नाम हो गया, जज के सामने कैसे बैठे ले इन लोग। अरे एटीट्यूड नहीं, अपनी मेहनत से आगे आए हैं। मैंने बिठाया उनको यहाँ पे। हाँ, बिठाने में तो ये एक्सपर्ट है। कुछ टाइम पहले 1 साल तक बिठा के रखा था इसने लोगों। बहुत एक्सपर्ट है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.